हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं के लिए जो है वैकेंसी निकाल दी है, यानी आरएस की वैकेंसी आ गई है। लगभग 980 पोस्ट जो है उनके लिए वैकेंसी आई है इस बार। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास किसी भी स्ट्रीम की डिग्री हो, और आपकी जो आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2019 तक न्यूनतम, यानी मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो आप 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 40 से कम होनी चाहिए। और जो अराजपत्रित कर्मचारी है उनकी होनी चाहिए 25 वर्ष और 45 से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज जो है आयु सीमा में जो छूट है वो उनके अकॉर्डिंगली जो है उनको मिल जाएगी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल की है 250, और ओबीसी की जो है 150 है, और SC ST की जो है 50 है। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको जो याद रखनी है वो है 12 अप्रैल से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 11 मई रात को 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म जो है पहले ही भर लेना चाहिए ताकि आपको अपनी पसंद की जो है जगह मिल जाए जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम जो है प्री में ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा प्री, और इसमें जो है सिर्फ जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर होगा, ये 200 मार्क्स का, और 3 आवर्स का जो है इसमें टाइम रहेगा। इसके बाद जो है मेंस एग्ज़ाम है वो रिटन होता है, और इसमें 4 पेपर होंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ का है, और फोर्थ पेपर जो है वो लैंग्वेज का है, यानी हिंदी और इंग्लिश का होगा। टोटल 800 मार्क्स होंगे, यानी 200 मार्क्स पर पेपर। और इसके बाद जो है इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो आप लोग जो है इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं, और 12 अप्रैल से फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।